फ्रेंड्स, मैं सीबू गेम पोर्टल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं ईवल नन, वो भी माइनक्राफ्ट में। जी हाँ, ईवल नन का एक मैप मिला है मुझे माइनक्राफ्ट में, जिसे मैं दिखाऊंगा। उसमें हम घूमेंगे ईवल नन का स्कूल जो कि माइनक्राफ्ट में बना है। तो चलिए, गेम स्टार्ट हो गया है। ये पहला रूम है, आप देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल माइनक्राफ्ट की चीजों से बना हुआ है। ये बोर्ड है, ग्रीन कलर का है, ब्लैक तो नहीं है। और ये ईवल नन की फोटो भी है। ओपन सीक्रेट बंकर, एक बटन है जिसको ओपन करने पर ये सीक्रेट बंकर खुल जाता है, जैसे कि ईवल नन में था, और ये इसे बनने करने पर ये बंद हो जाता है। तो ये देखिए, ये दरवाज़ा बना हुआ है, इसमें बुक शेल्फ रखे हुए थे और इसे ग्रिड बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है। ये नीचे का बंकर देखिए, वाह, बहुत सही तरीके से बंकर बना हुआ है। देखिए गम गन भी है, देखिए वाह, बहुत सारी चीज़ें जो कि ईवल नन में यूज़ होती है वो सब बनी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है। ये देखिए बीच का वो, ये सेफ की रखी हुई यहाँ पर। तो ये सब पोस्टर है और यहाँ पर ये रेड स्टोन से ये सर्किट भी बना हुआ है, बहुत सही तरीके से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना है ईवल नन का जो स्कूल है वाकई। यहाँ ओपन बटन है, उसे बटन दबा के ये जो शेल्फ है उसे ओपन कर लेते हैं तो ये खुल जाता है। फिर हम और घर का टूर मारते हैं। ये देखिए, ये बेड है, हालांकि ये खुल नहीं रहा है लेकिन अच्छे तरीके से बेड बना हुआ है। ये इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर पानी दिखता है हमें। तो चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। पहला रूम तो आपने देख लिया, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके बाद देखिए, ये लाल रंग का पट्टी लगा हुआ है, जैसे कि खून दिखता था ईवल नन में। ये पहला ड्रॉअर है, ये जो सामने दिखता है, ये शेल्फ पहला वाला। फिर ये वाला रूम है जिसमें आग जलता रहता था, तो आग की हूबहू नकल बनाई है इसने, बहुत ही अच्छा माइनक्राफ्ट में नकल की है ईवल नन के हाउस की। और इसके बाद हम यहाँ जाते हैं तो वो हॉल दिखता है, उसके बाद हम इधर जाते हैं तो यहाँ भी पानी दिख रहा है। ये वो पासवर्ड से लॉक्ड वाला रूम है जो अभी खुला हुआ है। तो ये देखिए, इसके अंदर भी बेड रखा हुआ है और एक अलमारी है, ये देखिए खुलती है। और ये फोटो है ईवल नन की। और इसके बाद ये वाला रूम है जो सामने खुला हुआ मिलता था हमको, बिल्कुल हूबहू बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से माइनक्राफ्ट में नकल की है जिसने भी की है। और सामने वो पिंक रूम भी दिख रहा है, वाह, पिंक रूम में देखिए जहाँ हम लोग गेम खेला करते थे, वो मिनी गेम, वो भी दिख रहा है। इसमें एक चेस्ट है जिसमें कुछ चीज़ें रखी हुई है, रेडस्टोन वगैरह। तो ये देखिए, शायद ये गेम चालू करने के काम आए, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं नहीं खेलूँगा, सिर्फ टूर मार रहा हूँ इसका। तो ये बैट भी है, स्कोर भी लिखा हुआ है सबका, ये देखिए। और आगे टूर मारते हैं, देखते हैं। ये बाथरूम है, ये देखिए, बाथरूम भी वैसा ही बना हुआ है। ये देखिए शावर का इसमें हैंडल बना है और ये सिंक टाइप का बना हुआ है, तो काफ़ी हद तक उसी तरीके से बनाने की कोशिश की है। ये देखिए, यहाँ जो छोटे छोटे ड्रॉर्स रखे रहते थे, और ये शटर है, हालांकि ये खुलेगा नहीं, पर वैसा ही लुक है इसका। फिर हम आगे जाते हैं, ये है वाला रूम जिसमें प्रिंसिपल का रूम रहता था। ये देखिए चेयर वाला, जिसमें ऊपर देखने पे हमको एक सीक्रेट जगह भी मिलता था, जैसे वो कुकी बॉक्स मिलता था। तो ये उस साइड का रूम है, देखिए जहाँ से हम एस्केप करते हैं, ये ऊपर है, देखिए इसे खोल भी सकते हैं। वाह, एकदम सेम टू सेम बनाया हुआ है, कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है मुझे। फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले रूम को देखते हैं कि कैसा बना है। ऊपर में ये वाला तो ग्रिल से लॉक्ड है अभी, तो फिर हम आगे चलते हैं, ये वाला रूम देखते हैं। तो ये देखिए, बीच में गड्ढा है जिसमें नीचे जाने का रास्ता है। फिर आपको बहुत सारे चेयर्स दिख रहे हैं, और ये जो रूम है इसमें किचन था, ये इसमें हमको वो केबल मिलता था, छोटा केबल, स्मॉल केबल। और ये अंदर वाला रूम है, तो सब एक जैसा बना हुआ है, एकदम वैसा ही बना हुआ है, सेम टू सेम, बहुत बढ़िया बनाया है जिसने भी बनाया है, काफ़ी अच्छी नकल की है ईवल नन गेम की। ये देखिए, जहाँ पर अपन स्मॉल केबल डालते थे, तो ये गैलरी है, यहाँ से देखिए हम फंस जाते थे जब ईवल नन आती थी। तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, सब चीज़ एकदम वैसा ही बना हुआ है। तो हम नीचे चलते हैं, ऊपर का रूम तो हमने देख लिया, उस साइड से जाने की कोशिश करेंगे हम, देखेंगे। तो ये भी ग्रिल से लॉक्ड है, अभी इसमें नहीं जा सकते, देखते हैं कि ये ग्रिल कैसे ओपन होगा। लेकिन पहले जो स्कूल का क्लासरूम है उसको देख लें, तो यहाँ चेयर्स लगी हुई है, बहुत सारी टेबल लगी हुई है। ये उसके बाद वाला रूम है, लाइब्रेरी वाला है, ये देखिए। तो इसमें बहुत सारे बुक शेल्फ्स आपको दिखेंगी,
माइनक्राफ्ट में तो आराम से आप बुकशेल्फ्स बना सकते हैं। तो एकदम सेम लुक है उसका। फिर हम बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से नीचे झुक के जाने का जो रास्ता रहता है उसकी जगह डोर लगा हुआ है, पर वैसा ही है ये, यहाँ से नीचे जा सकते हैं। सीढ़ी लगी हुई है, ये देखिए। अभी तो सीढ़ी में जा नहीं पा रहे, पता नहीं कुछ ग्लिच होगा इसका, इसमें जाने दे नहीं रहे नीचे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आगे का टूर मारेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जाने का लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आगे दिखाऊंगा इसमें कि क्या क्या है नीचे। नीचे वही बंकर होगा और भूल भलैया होगी उसमें, जो कि पूरी डर्ट से बनी हुई है, पूरी डर्ट से बनी हुई है वो, क्योंकि मिट्टी का लुक देना था। और ये अगला है, देखिए ये, यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट खुल जाता है, प्रेशर प्लेट नीचे लगा हुआ था। तो ये हॉल है जिसमें बास्केटबॉल खेलते थे और ईगलर हमें दौड़ाती थी। एकदम सेम टू सेम बना हुआ, ऊपर वो ईगल का मूर्ति भी बना हुआ है। यहाँ से हम नहीं जा सकते, ये देखिए पानी है पूरा, तो ये जाने ही नहीं देता हमको उस पार। तो बीच में एक टेबल लगा हुआ है, ये भी वैसा ही टाइप का है, ये बाथरूम होगा। देखिए यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, ये देखिए। इसमें से भी अभी मैं जा नहीं सकता, मैं बाद में दिखाऊंगा इसका लुक कैसा है क्या है। तो यहाँ से हम वो सीवर में जाते थे जहाँ से चेज होता था ईवल नन के साथ में। फिर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल हमें टूर मारना है स्कूल का, कि और क्या क्या चीज़ ईवल नन के गेम जैसी है इन इस माइनक्राफ्ट के क्रिएटिव वर्जन में। तो इसके बाद देखते हैं, यह है बाथरूम। वाह, बाथरूम भी वैसा ही बना हुआ है, एकदम सेम टू सेम। पूरा मैप को डिक्टो कॉपी किया है, कोई भी अंतर नहीं है इसमें, बहुत सही। तो ये हॉपर था, हॉपर में कुछ नहीं था। तो आगे चलते हैं, इसके बगल में भी एक बाथरूम है और यह है पीछे जाने का रास्ता। वाह, पीछे जाए तो देखो सी लैंटर्न लगा हुआ है और ये है सेमेट्री। ये देखिए सेमेट्री को डिक्टो कॉपी किया हुआ है, इसमें बहुत सारे सेमेट्री लगे हुए हैं, उसमें साइन बोर्ड लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और यहाँ वो मंदिर भी है जहाँ अपन को लास्ट मास्क का पीस मिलता था, ये सेफ टाइप का बना हुआ है इसी में। तो ये भी अच्छी तरीके से कॉपी किया हुआ है। ये देखिए मूर्ति है जो टाइम बताती थी, बहुत ही सही। ये झूला रखा हुआ है, झूला भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है इसमें से, देखिए बहुत बढ़िया। और बेंच वेंच रखी हुई। और यहाँ क्या, यहाँ मॉब हैं, दो मॉब हैं यहाँ पर, उन्हें मारता हूँ मैं, मार गिराता हूँ। और ये दोनों को मार गिराया मैंने, मॉब फिनिश्ड। क्या कर रहे थे पता नहीं, इस गेम में मॉब की क्या जरूरत है। इविल नन कहीं दिखी नहीं, लेकिन दो मॉब्स दिखे मुझे स्कूल में, वाह। फिर यहाँ से हम निकलते हैं, वापस उसी जगह जाते हैं। ये देखिए यहाँ से हॉल से जाने का रास्ता था जैसा कि आपने देखा, और ये ग्रिल अभी भी लगी हुई है। तो यहाँ से तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हॉल आपने देख लिया किस टाइप का था। तो आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर, और स्कूल में टूर मारते हैं कि क्या क्या और है स्कूल में। तो आप बाकी वीडियो भी मैं लाऊंगा कि ग्रैनी कैसा है, माइनक्राफ्ट कैसा है माइनक्राफ्ट में, तो उसके वीडियोस भी लाऊंगा। ये देखिए पूरा डर्ट से बना हुआ है पूरा, ये भूल भुलैया है जैसा कि नॉर्मल ईवल नन गेम में होता था, एकदम सेम टू सेम। आपको समझ में नहीं आता कहाँ जाना है। ये देखिए बंद है यहाँ पर ग्रिल से। फिर यहाँ से नीचे जाते हैं तो हमको वो जगह मिलता है जहाँ से हम स्विफ्ट बूट से, जो हम लेवल पार करते थे, चैलेंज पार करते थे मेज चैलेंज को। तो ये बीच में आके अपन यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, वो रूम जहाँ से आग जलता रहता है वहाँ हम निकलेंगे ऊपर। तो ये देखिए मेज है, मेज से हम ये उस जगह पहुंच गए ठीक नीचे जहाँ पर आग जलती रहती थी। तो यहाँ से हम सीधा ऊपर जाते हैं इसको खोल के स्विच को, यस। अब यहाँ से बाहर निकल के देख सकते हैं आप, यह आग जल रही है। तो बहुत अच्छा मैप है, बहुत ही सही तरीके से बना हुआ है क्रिएटिव वर्जन में। बहुत मेहनत लगी होगी इसे बनाने में, जिसने भी बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया भाई, मज़ा आ गया इस मैप को देख के। एकदम सेम टू सेम ईवल नन का मैप है। अगर इसमें ईवल नन होती तो और भी मज़ा आता, पर मैं देखूंगा कि ईवल नन कैसे आएगी क्योंकि क्रिएटिव वर्जन है। तो चलिए अब शाउट आउट का वक्त हो गया। तो पहला शाउट आउट है करमवीर सिंह का, यू आर बेस्ट गेमर, थैंक यू। फातिमा खातुम बोलती हैं शाउट आउट मी प्लीज़, ओके। आरिश खान बोलते हैं आइज द हॉरर गेम की स्टोरी, बिल्कुल भाई मैं लाऊंगा। फिर है रागिनी कुमारी बोलती हैं भाई प्लीज़ शाउट आउट कर दो, ओके।
स्क्रीम एस बोलते हैं, हाउ डू यू प्ले GTA 5 इन सैमसंग गैलेक्सी J 4 प्लस मोबाइल। फिर अजय वाजपेयी बोलते हैं, प्लीज टेल हाउ टू फाइंड विलेज इन माइनक्राफ्ट ट्रेल। ओके भाई, ट्रायल में। महावीर प्रसाद भाई, प्लीज शाउट आउट। फिर सौरवी वीर बोलते हैं, आई लव यू, आई एम योर 10th सब्सक्राइबर। रीनू अग्रवाल बोलती है, नाइस। नीरा कुमारी बोलते हैं, प्लीज शाउट आउट मी। फिर उसके बाद उषा गुप्ता बोलते हैं, मिस्टर गेम पोर्टल, हमें आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं, मुझे प्लीज शाउट आउट दो। ओके भाई। वर्ड्स वंडर, थैंक्स फॉर आइज द हॉरर गेम। प्रिंस कोहली बोलते हैं, भाई मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ, कूल वीडियो, थैंक यू भाई। शंकर सिंह बोलते हैं, प्लीज शाउट आउट मी प्लीज। सौरव गेमर बोलते हैं, भाई काफी देर लगा था, थैंक्स भाई इसके लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो भाई ये सभी बात कर रहे हैं आइज द हॉरर गेम का, जो मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली अपने चैनल में, अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके देखिए। और मैं दोनों चैनल यानी गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको शाउट आउट मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।